गांव था, वहाँ एक खेत को मैंने जब मैदान में कन्वर्ट किया, तो जब मैं ऊपर से देखता था उस व्यू को, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो आज भी मेरे पिक्चर्स हैं मेरे लैपटॉप में, तो जब भी देखता हूँ वो रहता है। बाकी बात आई इस फील्ड से जुड़ने की, तो जब मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आया था, और जब देखा था कि भाई मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर, तो मैंने जब देखा और उसके बाद में जब मैंने यहाँ एक दो बार देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना यार, देखो जो आँखें हैं, अगर साइट है आपका, तो हर कोई देखता है कि पानी उछल रहा है, सागर की लहरें आके थपेड़े मार रही हैं, हवा चल रही है, तो बाकी जो महसूस करते हैं वो एक्सप्लेन करना, वो मेरा एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि मैंने कहा कि इसको, क्योंकि मैं सिर्फ खेल जानता हूँ, खेल करता हूँ, तो मुझे इस फील्ड में आके स्पोर्ट्स को ऊपर उठना, वो मेरे लिए अच्छा हुआ था। और मैं चाहता था कि इस फील्ड में, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन एयरफोर्स से रिटायर था, इंडियन एयरफोर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि उसी चीज़ को एडेप्टेड उसमें, इंटीग्रेटेड उसमें कैसे, क्योंकि मेरे लिए नया फील्ड था, तो उसको कैसे अपने आप को मोटिवेट करके इनके लिए कैसे काम करें। तो मुझे हर चीज़ जीरो से सीखना था। अगर आप पढ़ाई की बात करें तो स्पेशल बीएड होता है, स्पेशल एमएड होता है, स्पेशल डीएड होती है, लेकिन स्पोर्ट्स का अभी तक पैरा स्पोर्ट्स का इंजीनियर कोई कोचिंग नहीं होता। तो मैंने जो साइटेड है, यानी कि जो नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम है, उससे स्पोर्ट्स में क्वालिफिकेशन हासिल किए हैं, और यहाँ आके जो भी सीखा है डे वन से, मेरा एक पैसन है इनके साथ काम करना। और इनके साथ मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि अगर इन्होंने, अगर आप पे इनको ट्रस्ट हो गया, तो ये कुछ भी करने को तैयार रहता है, और हमें तो वही चाहिए होती है। ये मेरा इस फील्ड में इससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल, जब मैं काम कर रहा हूँ इनके लिए तो अटैचमेंट है, बिल्कुल है। तो सर कहीं ना कहीं इसके पीछे हम रीज़न एयरफोर्स को भी मान सकते हैं कि देश के लिए आप जो सेल्फलेस वे में जिस तरह से आप काम करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ कनेक्शन फील होती होगी, इससे कुछ अपना फायदा तो नहीं हो रहा, पर हम सोसाइटी में एक तरह से दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जब हम थे तो एक ऐसी उम्र में जबकि आप कॉलर खड़े करके चलना पसंद करते हैं, बिना बेल्ट के जींस